सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। 16 साल के लड़के ने किया सेना के लिए ड्रोन का आविष्कार। करोड़ों रुपए लगाने को तैयार ही कंपनियां। खबर जानने के लिए वीडियो पूरी देखे। कहा जाता है कि टैलेंट किसी डिग्री का मोहताज नहीं होता है। ऐसा ही कुछ एक 16 वर्षीय लड़के ने कर दिखाया है। गुजरात के अहमदाबाद में रहने वाले एक 16 वर्षीय हर्षवर्धन सिंह जाला ने अपनी छोटी सी उम्र से बड़ा काम कर दिखाया है और दुनिया को यह दिखा दिया है कि टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती है। इस बच्चे ने भारतीय सेना के लिए विध्वंसकारी बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए एक मानवरहित ड्रोन विकसित किया है। हर्षवर्धन ने इसे सेना को समर्पित करके हमारे विरोधियों के इरादों की हवा निकल दी है। हर्षवर्धन जाला 10वीं क्लास के छात्र हैं और उन्हें इस ड्रोन को बनाने का आइडिया टीवी में आने वाली खबर को देखकर मिला। भारत पर हाल ही में हुए हमले को देखने के बाद उन्हें ऐसा कुछ करने का आइडिया आया। वे बताते हैं कि जब मैंने टीवी पर हमारी सेना के लोगों को बारूदी सुरंग के कारण मरते हुए देखा, इसी को देखकर पहली बार मेरे दिमाग में इस तरह के ड्रोन को बनाने का आइडिया आया। वे कहते हैं कि मैंने इसके बाद इस पर रिसर्च करना शुरू किया। फिलहाल माइंड डिटेक्टर बारूदी सुरंग को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह सुरक्षित नहीं है भी और न ही यह सही तरीके से काम करता है। लड़ाई के मैदान में बारूदी सुरंग को खोजने वाले इस ड्रोन को तैयार करने के लिए गुजरात सरकार की ओर से उसे 5 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। इस ड्रोन को विकसित करने वाले जाला के साथ गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इस डील को साइन किया है। अहमदाबाद में हाल ही में हुए वाइब्रेंट गुजरात समिट के दौरान इस प्रस्ताव को लेकर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU पर साइन किया गया है। हर्षवर्धन का दावा है कि उन्होंने इस ड्रोन को बनाने में जिस तकनीक का इस्तेमाल किया है वो उनकी खुद की बनाई हुई तकनीक है। हर्षवर्धन ने कहा कि मेरी पहली 6 कोशिशें नाकाम रही हैं, लेकिन इसके बाद मुझे 7वीं बार में कामयाबी मिली। पिछले साल फरवरी मार्च में इसे बनाने में मुझे कामयाबी हासिल हुई। उन्होंने कहा कि अभी हम इसमें और भी कई खूबियां डालने वाले हैं। गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रमुख नरोत्तम साहू ने कहा कि हर्षवर्धन के ड्रोन का डेमो देखने के बाद हमें उसमें संभावनाएं नजर आई हैं, इसलिए हमने इस योजना पर काम करने का फैसला किया। उनका यह ड्रोन 100 मीटर के दायरे में 50 फुट की ऊंचाई से बारूदी सुरंग का पता लगाने में सक्षम होगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।